hello everyone welcome to today's class so today we are going to start new chapter that is chapter number 6 introducing Python so in this chapter we will learn about Python programming okay students so without wasting time let's start the chapter so firstly we will discuss introduction of Python so what is Python Python is a simple programming language used to write code for the computer programs Python was created by Guido van Rossum When he was 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 working at and and Informatica, which a a national research institute for mathematics and computer science, the language language. released in 1991. Python is high-level programming, language. So, Python एक simple programming language है, जो किसी भी प्रोग्राम कोड करने के लिए यूज होती है ठीक है किसी भी प्रोग्राम का कोड लिखने के लिए हम इसे यूज करते हैं ओके okay. और इसको डेवलप किया था गाइडोम ने ठीक है ये मेन पॉइंट है इसको ध्यान से देख लीजिए किसने डेवलप किया था Rossum. Okay. ओके और ये कब करा था ये जब ये वर्क कर रहे थे एक इंस्टीट्यूट में सेंटर का नाम का था इसके अंदर ये वर्क कर रहे थे तो ये कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड था नीदरलैंड में ये था इसमें जब वर्क कर रहे थे तब तो इन्होंने इस लैंग्वेज को क्रिएट किया पैथन को ओके और पैथन लैंग्वेज फाइनली कब रिलीज करी गई नाइनटीन में ये नाइन में ऑफिशियली रिलीज कर दी गई पैथन लैंग्वेज रिलीज हो गई थी 1991 में ओके

कोई भी इसको बहुत आसानी से सीख सकता है स्पेशली ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट लैंग्वेज है जिन्होंने कभी कोई भी लैंग्वेज पर प्रोग्रामिंग नहीं की है तो वो स्टार्ट कर सकता है पाइथन से क्योंकि पाइथन सबसे टू लर्न लैंग्वेज है इसको आप आसानी से सीख सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके तो पहला फीचर तो इसका ये हो गया बहुत ईजी टू लर्न है नेक्स्ट फीचर है इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच मीन इट कैन बी यूज ऑन एनी मशीन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम तो सेकंड फीचर क्या है पाइथन का कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पे प्लेटफॉर्म का मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही है प्लेटफॉर्म का मतलब है कि ये किसी भी डिवाइस पे रन कर सकती है मतलब ये ऐसा नहीं है मतलब कि ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए डिपेंडेंट है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका विंडोज में ही रन होगी सिर्फ आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है तो उसी में ही आप इसको चला सकते हैं ऐसा नहीं है आप एप्पल का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आपके पास में मैकेटॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उस पर भी रन करा सकते हैं तो इसका मतलब है ये प्लेटफॉर्म पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए डिपेंडेंट नहीं है पर्टिकुलर डिवाइस के लिए डिपेंडेंट नहीं है अलग अलग डिवाइस के लिए रन कर सकती है ठीक है तो इसीलिए इसको बोलेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट नहीं है अलग अलग टाइप की डिवाइसेस अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन कर सकती है ओके okay, तो ये हो गया इसका सेकंड फीचर अब देखते हैं थर्ड फीचर इट हैज अ सिंपल सिंटेक्स अब यहाँ पे सिंपल सिंटेक्स का मतलब क्या है सिंपल सिंटेक्स मतलब है कि यहाँ पे जब आप कोडिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं है मतलब बहुत ज्यादा आपको फालतू की चीजें लिखने की जरूरत नहीं है मतलब जैसे कि अगर C++ में आप कोडिंग करेंगे तो C++ में जो कोडिंग आपको आठ दस लाइन में करनी होगी वो आप पायथन में सिर्फ टू लाइन में कर सकते हैं एक लाइन में ही कर सकते हैं आप ठीक है तो बहुत सिंपल सिंटेक्स है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत है बहुत सिंपल सा सिंटेक्स लिखना होता है इसमें और इसकी हेल्प से आप प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं ओके तो इसके सिंटेक्स बहुत ज्यादा सिंपल है नेक्स्ट पायथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज तो पाइथन जो है वो आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है केस सेंसिटिव का मतलब है कि स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर दोनों का मीनिंग अलग होगा ठीक है दोनों सिमिलर नहीं होंगे सपोज कि आपने कहीं ए लिखा है ठीक है स्मॉल लेटर में और कहीं आपने लिख दिया दूसरा कैपिटल लेटर में तो दोनों का मीनिंग चेंज हो जाएगा ठीक है दोनों ए आपके सिमिलर नहीं होंगे दोनों को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं पाइथन में ठीक है तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है नेक्स्ट फीचर इज इट इज इंटरप्रिटेड लैंग्वेज तो पाइथन एकटेड लैंग्वेज है इंटरप्रिटेड का मतलब होता है कि जब आप कोड टाइप करेंगे तो वो कोड आपका कन्वर्ट होगा मशीन की लैंग्वेज में तो वो जब मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा तो वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होगा पूरा कोड एक बार में कन्वर्ट नहीं होगा लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होता है दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन जब कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है line by line, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेड okay, तो लैंग्वेज है एंड नेक्स्ट फीचर इज इट इज फ्री टू यूज एंड ईवन फ्री फॉर कमर्शियल प्रोडक्ट अब पैथन का सबसे बड़ा फीचर तो यही है कि ये लैंग्वेज जो वो फ्री टू यूज है और इवन आप कमर्शियल वर्क के लिए भी इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं पैथन बिल्कुल फ्री टू यूज लैंग्वेज है इसको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं इसके इंटरप्रेटर को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं उसको आप रन करा सकते हैं और उसको इंस्टॉल करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट के लिए आप प्रोग्राम बना सकते हैं उस प्रोग्राम को आप चाहें तो सेल भी कर सकते हैं ठीक है बिल्कुल फ्री टू यूज है आप जिस तरीके से यूज करना चाहें उसको यूज कर सकते हैं सबसे बड़ा फीचर इस लैंग्वेज इसका यही है ओके तो ये कुछ फीचर्स थे पाइथन के जो हमने डिस्कस कर लिए हैं आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे तो चलिए अब बात करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशन एंड यूजेस की कि इसके क्या यूजेस और एप्लीकेशंस हैं, ठीक है पाइथन प्रोग्रामिंग का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है वो डिस्कस कर लेते हैं तो पहला तो यूज होता है इसका टू तो बिल्ड अ वेबसाइट मतलब आप पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए ठीक है पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज वेबसाइट को डेवलप करने के लिए भी होता है नेक्स्ट वन इज फॉर गेम डेवलपमेंट गेम डेवलपमेंट में भी पाइथन प्रोग्रामिंग का बहुत ज्यादा यूज होता है किसी भी गेम को डेवलप करना हो तो पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज उसमें भी किया जा सकता है नेक्स्ट वन इज टू प्रोग्राम रोबोट्स जो रोबोटिक्स आपकी टेक्नोलॉजी होती है उसमें बहुत ही ज्यादा पाइथन की प्रोग्रामिंग का यूज होता है पाइथन प्रोग्रामिंग जो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा यूज हो रही है तो रोबोटिक्स में पाइथन का बहुत ज्यादा यूज होता है ओके नेक्स्ट इज यू कैन यूज पैथन टू परफॉर्म साइंटिफिक कम्पिटेशन मतलब साइंटिफिक कम्पिटेशन को परफॉर्म करने के लिए भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं नेक्स्ट इज टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन तो सबसे ज्यादा यूज आपका पैथन का इसी में हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ओके मैंने आपको भी बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पायथन बहुत ज्यादा यूज हो रही है ठीक है जो आजकल रोबोटिक्स वगैरह पे वर्क चल रहा है उसमें पाइथन प्रोग्रामिंग का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है कोई भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन देखेंगे जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर तो पर ले सकते हैं गूगल असिस्टेंट एलेक्सा है ये सब क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बेस है इनमें भी पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है ओके तो आई होप आप लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन यूजेस समझ में आ गए होंगे ओके तो चलिए अब देखते हैं हाउ टू इंस्टॉल पाइथन ओके अगर आपको पाइथन इंस्टॉल करना है तो किस तरीके से करेंगे तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको पाइथन को डाउनलोड करना होगा so यू कैन easily डाउनलोड python फॉर योर कंप्यूटर वाय दिस वेबसाइट that is wwwpythonorg डब्लू स्लैश डाउनलोड इस वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और इस चैप्टर में हम जो यूज करेंगे वो 3.7 वर्जन को यूज करेंगे पायथन के ठीक है आप इस वेबसाइट पे जाकर जो भी लेटेस्ट वर्जन अच्छा तो वो डाउनलोड कर सकते हो या आप थ्री पॉइंट सेवन ही डाउनलोड कर सकते हो जो भी वर्जन आपको अच्छा लगता है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपसे डाउनलोड करेंगे ओके तो पहले आपको किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन कर लेना है ठीक है मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया गूगल क्रोम को फिर यहाँ पे आपको लिख देना है डाउनलोड पाइथन ठीक है इतना लिख के आपको प्रेस कर देना है तो जैसे आप एंटर करेंगे तो जो पहला लिंक आएगा वो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट का आएगा देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट पायथन डॉट ओ आर जी ठीक है ये आपका आ गया है तो इसको आपको ओपन कर लेना है ये ओपन होने के बाद में वेबसाइट इस तरीके से दिखेगी ये इंटरफेस आपका आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे देखिए जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा पाइथन का वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा देखिए पाइथन का लेटेस्ट वर्जन थ्री पॉइंट एट पॉइंट फाइव ये लेटेस्ट वर्जन है जो आपका यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है तो चाहो तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और अगर आप चाहते हो ओल्डर वर्जन डाउनलोड करना तो वो आप यहाँ से कर सकते हो देखिए पे आ रहा है लुकिंग फॉर स्पेसिफिक रिलीज तो यहाँ पे आ रहा है देखिए थ्री पॉइंट एट पॉइंट फोर थ्री पॉइंट सेवन पॉइंट एट तो चाहो तो आप इस लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो ठीक है इस पर क्लिक करके और अगर आपको लेटेस्ट वर्जन यूज करना है तो आप इसको कर सकते हो ठीक है थ्री और थ्री में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप चाहो तो इसको ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो सिमिलर है जैसे आप थ्री में करेंगे वैसे ही आप थ्री पॉइंट एट में करते हैं ठीक है बस उसमें लाइब्रेरी का डिफरेंस है जो कि आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी आपकी कोडिंग बिल्कुल सिमिलर होगी ठीक है ओके okay, तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है जो वर्जन भी आप डाउनलोड करना चाहें वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे जाकर कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से डाउनलोड करना है तो अब देखते हैं पाइथन को इंस्टॉल करने का प्रोसेस ओके तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोडिंग का मैंने आपको दिया है किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे पाइथन की वेबसाइट पर जाके ठीक है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया तो आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे और जैसे डाउनलोड करेंगे तो एक वहां से आपको डाउनलोडिंग फाइल मिल जाएगी एक इंस्टॉलर मिल जाएगा फिर उस इंस्टॉलर को आपको रन कर देना है ठीक है जैसे रन करेंगे तो वहां पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है नेक्स्ट नेक्स्ट करके पूरा कंप्लीट कर देना है तो चलिए मैं इसको आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए और आप समझ सकें कि इंस्टॉलेशन किस तरीके से की जाती है ओके तो अभी मैंने यहां से आपको समझाने के लिए थ्री को डाउनलोड कर लिया है ठीक है थ्री ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे में तो मैंने थ्री को नहीं किया डाउनलोड थ्री को डाउनलोड कर लिया है इंस्टॉलेशन प्रोसेस सभी वर्जन का सेम ही है ठीक है तो आप समझ लीजिए 3.8 को 3.8 हो 3.7 हो 3.5 हो कोई भी वर्जन हो सबका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सेम ही होता है ठीक है तो मैं आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस समझा देता हूँ ठीक है तो ये 3.8 वर्जन मैंने डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड करने के बाद में इसको मैंने फाइल को डेस्कटॉप पे ले लिया है ये इंस्टॉलेशन फाइल आ गई है मेरे पास में इस तरीके से आप डाउनलोड कर लेंगे तो इंस्टॉलेशन फाइल आ जाएगी आपकी ठीक है 3.7 करेंगे तब भी आपको इस तरीके से फाइल मिलेगी ठीक है तो पैथन को इंस्टॉल करने के सिंपली क्या करना है इस फाइल को हमें ओपन कर लेना है ओपन कर लेता हूँ मैं इसको ओपन करने के बाद में इस तरीके से आपके सामने विंडो खुल जाएगी और यहाँ पे आपको देखो बोलेगा ऑप्शन इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन तो आपको इंस्टॉल नाव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है लेकिन यहाँ पे क्लिक करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है आपको जो देखिए ऑप्शन आ रहा है एड पाइथन थ्री पॉइंट एट टू पाथ इस पे आपको टिक कर देना है इससे क्या होगा जो पाइथन होगा आपका वो कमांड प्रॉन्ट मतलब सीएमडी में भी आपका एक्सेसिबल होगा ठीक है तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे इसके बाद में यहाँ पे इंस्टॉल नाव पे क्लिक कर देना है जैसे आप इंस्टॉल नाव पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी ये देखिए इंस्टॉलेशन आपकी स्टार्ट हो गई है ये कुछ टाइम लेगी ये डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर की स्पीड पे कि जैसी आपके कंप्यूटर की स्पीड है तो उतनी जल्दी आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये देखिए इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है ये हमारा पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है ठीक है इसके बाद में क्लोज हाँ कर देंगे और अब ये आपका पाइथन कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है ओके तो इसको आप कंप्यूटर में देख सकते हैं स्टार्ट पर क्लिक करके कि आपका आया नहीं आया यहाँ पे आई में टाइप करता हूँ आई तो ये देखिए यहाँ पे पाइथन थ्री पॉइंट एट आ चुका है ठीक है ये इंस्टॉल हो गया हमारे में ठीक है थ्री पॉइंट सेवन और थ्री पॉइंट सिक्स ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल थे लेकिन थ्री पॉइंट एट अभी मैंने इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल हो गया ठीक है इसको क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से आपकी विंडो ओपन हो जाएगी ठीक है ये पाइथन सेल की विंडो है ओके यहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं तो आई होप आपको समझ में आ गया आगे इस तरीके से डाउनलोड करके आपको पाइथन को इंस्टॉल करना है ओके ओके तो हमने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देख लिया और मैंने आपको ये विंडो भी ओपन करके दिखा दी थी पाइथन की विंडो इस तरीके से डिस्प्ले होती है ठीक है तो मैंने आपको ओपन करके दिखा दी थी वहां पे और ये जो इंस्टॉलेशन हमने की थी ये वाइडिफॉल्ट हमारी सी ड्राइव में ही होती है ठीक है सी ड्राइव के अंदर पाइथन के नाम से एक फोल्डर बन जाता है वहां पर पाइथन इंस्टॉल हो जाता है ओके तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस पाइथन विंडो के कॉम्पोनेंट को सो कॉम्पोनेट ऑफ पाइथन विंडो सो जस्ट लाइक एनी अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम पाइथन विंडो हैज दॉलोइंग कॉम्पोनेंट तो जैसे बाकी एप्लीकेशन विंडो के कंपोनेंट होते हैं वैसे ही पाइथन विंडो के भी कंपोनेंट होते हैं तो so, चलिए देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं सो फर्स्ट कंपोनेंट आपका टाइटल बार ठीक है टाइटल बार कहाँ होती है आपकी ये ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार इस एरिया को बोलते हैं हम टाइटल बार ठीक है दिस इज नोन एज टाइटल बार सेकंड कॉम्पोनेंट होता है मैन्यू बार और मैन्यू बार कौन सा होता है ये पार्ट आपका मैन्यू बार होता है ये जो पार्ट आ रहा होता इस है इसे हम बोलते हैं मेन्यू बार ओके थर्ड पार्ट जो है वो हमारा स्क्रिप्ट एरिया ये जो एरिया आ रहा था वाइट वाइट इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट एरिया ठीक है जहां पर हम कोडिंग करते हैं ये से बोलते हैं स्क्रिप्ट एरिया एंड फोर्थ पार्ट होता है हमारा स्टेटस स्टेटस बार बार और कहां होती है हमारी ये जो है स्टेटस बार है ये देखिए बॉटम पे आ रही है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार ओके तो चलिए अब इन सारे कॉम्पोनेंट को वन बाय वन डिस्कस करते हैं तो पहले बात करते हैं टाइटल बार की सो व्हाट इज टाइटल बार दिस इज द एरिया दैट डिस्प्ले द नेम ऑफ एप्लीकेशन एंड द डॉक्यूमेंट जो तो टाइटल बार होती है डिस्प्ले करती है एप्लीकेशन का नेम या फिर आपके डॉक्यूमेंट का जो भी नेम होगा वो डिस्प्ले करेगी मतलब प्रोग्राम आपने जिस नाम से सेव कर रखा होगा वो डिस्प्ले होगा ठीक है इट ऑल्सो कंटेन कमांड बटन लाइक मिनिमाइज मैक्सिमाइज रिस्टोर एंड क्लोज बटन ठीक है तो इसमें आपके मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज बटन भी होते हैं जो जो कि नॉर्मली हर एप्लीकेशन विंडो में होते हैं ओके नेक्स्ट कॉम्पोनेट है मेन्यू बार तो मेन्यू बार क्या होती है

तो आप वो टाइटल बार और मेन्यू बार समझ में आ गया होगा तो चलिए अब देखते हैं मेन्यू के को। तो पहले हम बात करेंगे फ़ाइल की। ओपनिंग फाइल ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल व्यूइंग रिसेंटली यूज फाइल सेविंग द फाइल्स क्लोजिंग द फाइल्स एंड एग्जिटिंग द एप्लीकेशन तो फाइल मेन्यू जो ऑप्शन होते हैं वो करंटली यूज फाइल से रिलेटेड होते हैं मतलब जैसे आपको न्यू फाइल ओपन करनी है तो न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा आपको फाइल कोई ऑलरेडी सेव्ड है उसको ओपन करना है तो ओपन फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा आपको तो इस तरीके से सारे ऑप्शन होते हैं आपको सेव करने का क्लोज करने का ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं फाइल मेन्यू में ओके okay. जैसे कि आपके नॉर्मली एमएस बर्ड में होते हैं ओके okay, उसी तरीके से इसमें ऑप्शन आपको मिल जाते हैं अब बात करते हैं एडिट मेन्यू की सो वर्किंग विद एडिट मेन्यू दिस मेन्यू इज जनरली यूज टू एडिट द फाइल इन यूज यू कैन कट कॉपी और पेज द सेलेक्टेड टेक्स यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर द पर्टिकुलर टेक्सट और फ्रेज एंड इवन रिप्लेस इट विद समेस्ट तो देखिए एडिट मेन्यू के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए होते हैं मतलब कि जो आपकी प्रोग्राम फाइल है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी आपको एडिटिंग करनी है तो उसके लिए आपको एडिटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं एडिट मेन्यू में अल्लाह मतलब कुछ आपको कट करना है या कॉपी करना है तो वो सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं आपको ओके तो आई होप आपको समझ में आगे होगा अब बात करते हैं हेल्प मेन्यू की वर्किंग विद हेल्प मेन्यू तो देखिए हेल्प मेन्यू किस लिए होती है टू गेट हेल्प रिलेटेड टू एनी टॉपिक ऑफ पाइथन प्रेस एफ वन और क्लिक ऑन द हेल्प मेन्यू तो हेल्प मेन्यू जो होती है वो आपको हेल्प प्रोवाइड करती है पाइथन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको पाइथन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक की आपको हेल्प चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में आपको कुछ पढ़ना है कुछ भी जानना है तो आप हेल्प मेन्यू पर क्लिक कर देंगे वो सारे टॉपिक आपको वहां पर डिस्प्ले कर देगी और उसको जाके आप देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं पाइथन से रिलेटेड आप चाहो तो वहां पे सर्च भी कर सकते हो सर्च का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है ठीक है और अगर आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करना नहीं चाहते हो तो आप F1 की प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से तो डायरेक्टली आपका हेल्प मेन्यू के ही ऑप्शन आपको ओपन हो जाएंगे मतलब हेल्प डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहां पे कि आपको पाइथन से रिलेटेड हेल्प के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे जो भी आपको टॉपिक सर्च करना है वो आप सर्च करके हेल्प ले सकते हैं ओके तो इस मेन्यू का काम यही होता है पाइथन से रिलेटेड टॉपिक पे हेल्प प्रोवाइड करना ओके तो आई होप आपको ये मेन्यू समझ में आगे होंगी तो अब बात करते हैं पाइथन विंडो के नेक्स्ट कॉम्पोनेट की जो की हमारे स्क्रिप्ट एरिया और स्टेटस बार तो स्क्रिप्ट एरिया क्या होता है दिस इज द एरिया वेयर यू टाइप कोड मतलब ये वो एरिया होता है जहां पर हम कोडिंग करते हैं प्रोग्रामिंग जहां पे हम करेंगे उस एरिया का हम बोलते हैं स्क्रिप्ट एरिया ओके अब बात करते हैं स्टेटस वार का क्या काम होता है द स्टेटस वार्टाइल स्टेटस ऑफ यूर कर्जर ऑन द विंडो तो स्टेटस वार, तो वार जो होती है वो हमारे कर्जर की करंट स्टेटस को डिस्प्ले करती है कि किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं किस लाइन में वर्क कर रहे हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करती है ओके okay. तो आई होप आपको ये दोनों कॉम्पोनेट भी समझ में आ गए होंगे तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं पाइथन विंडो के सारे को ओके okay. तो अब बात करते हैं हम किस तरीके से कोडिंग करेंगे ओके सो आफ्टर इंस्टॉलिंग पाइथन यू आर रेडी टू वर्क ऑन इट यू कैन वर्क इन पाइथन इन टू बेस तो इंस्टॉलेशन करने के बाद में आपका पाइथन पूरी तरीके से रेडी हो जाता है कि आप उसमें वर्क कर सकते हैं और अपना कोड वहां पे लिख सकते हैं तो so पाइथन में आप वर्क दो तरीके से कर सकते हैं देखिए कौन कौन से तो so पहला आया आपका इन इंटरेक्टिव मोड ओके एंड सेकेंड है इन स्क्रिप्ट मोड तो ये दो मोड होते हैं हमारे पाइथन में जिसमें कि हम वर्क कर सकते हैं अगर आप चाहो तो इंटरेक्टिव मोड में वर्क कर सकते हो आप चाहो तो स्क्रिप्ट मोड में वर्क कर सकते हो ओके okay, तो पहले बात करते हैं कि इंटरेक्टिव मोड में हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग को करेंगे सो पाइथन प्रोग्रामिंग इन इंटरेक्टिव मोड ओके इन इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन गिविंग द आउटपुट इन दिस मोड कमांड आर टाइप नेक्स्ट टू द पाइथन कमांड फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल इफ यू टाइप थ्री प्लस सिक्स नेक्स्ट टू द पाइथन प्रॉम्प्ट रिजल्ट एज नाइन तो इसका मतलब क्या है जब आप इंटरेक्टिव मोड में वर्क करते हैं तो आपके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो लाइन बाई लाइन एक्जीक्यूट होते हैं और जैसे ही आप कोई लाइन लिख के मतलब कोई कोड लिख के एंटर करेंगे वो आपकी लाइन तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसका आउटपुट आपको तुरंत मिल जाएगा फॉर एक्जाम्पल अगर आपने थ्री प्लस सिक्स टाइप किया है और उसके बाद में आपने एंटर प्रेस कर दिया तो आपको तुरंत ही आउटपुट मिल जाएगा मतलब रिजल्ट मिल जाएगा आपको नाइन तो इंटरेक्टिव मोड में आपको तुरंत आउटपुट मिल जाता है ओके आई होप आपको समझ में आ रहा होगा तो पैथन के इंटरेक्टिव मोड में वर्क करने के लिए आपको क्या करना होगा स्टार्ट पर क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम में जाएंगे ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा पाइथन 3.7 या आपने जो भी वर्जन इंस्टॉल कर रखा होगा वो वर्जन मिल जाएगा आपको और उसके बाद में आपको उस वर्जन की आइडियली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी तो आपको उस आइडियाली पे क्लिक कर देना है ठीक है तो आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा किस तरीके से होगा इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा ओके तो इसी को हम बोलते हैं पाइथन का इंटरेक्टिव मोड यहाँ पे जो भी कोड लिख के आप एंटर करेंगे तो उसका आउटपुट आपको तुरंत मिल जाएगा मतलब जो भी लाइन लिख के एंटर प्रेस करेंगे उसका आउटपुट भी आपको तुरंत मिल जाएगा उसका रिजल्ट आपको तुरंत हैंड टू हैंड मिल जाएगा यहीं पर मिल जाएगा इसी विंडो में ओके आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी तो इसको बोलते हैं हम इंटरेक्टिव मोड ओके फॉर एग्जाम्पल टाइप द फॉलोइंग कमांड नेक्स्ट टू द पैथन प्रॉम्प्ट एंड पैथन बिल इमीडिएटली गिव आउटपुट तो ये कमांड आप इंट्रेक्ट मोड में टाइप करेंगे तो इनका आउटपुट आपको तुरंत मिल जाएगा देखिए यहाँ पे पहली लाइन टाइप की है वेलकम टू पैथन बर्ड तो इसका आउटपुट मिल गया मतलब वहीं पर आउटपुट आपका आ गया वेलकम टू पैथन बर्ड फिर सेकेंड लाइन टाइप करिए तो उसका आउटपुट मिल गया है थर्ड लाइन टाइप करिए तो उसका आउटपुट मिल, तो मिल गया है ऐसी फोर्थ करिए तो उसका आउटपुट भी यहीं पर मिल गया है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें फिफ्ट वे का आउटपुट मिल गया है, और फिफ्त वाले में यहाँ पे देखिए फोर्थ क्यों आया है यहाँ पे देखिए कंडीशन लगी हुई है टेन लेस देन फाइव ठीक है तो टेन जो है वो लेस देन फाइव है नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इसीलिए यहाँ पे हमें फॉल्स आउटपुट मिला है ओके इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन का आउटपुट आ गया है टेन प्लस ट्वेंटी थर्टी ठीक है तो थर्टी यहां पे आउटपुट आ गया है ओके आई होप आपको समझ में आ रहा होगा तो चलिए मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ आपको प्रैक्टिकली जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए ठीक है तो देखिए यहाँ पे मैंने पाइथन सेल को ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो भी टाइप करूंगा मैं वो यहाँ पर तुरंत आउटपुट आ जाएगा जैसे मैं करता हूँ हेलो ठीक है हेलो टाइप करा देखिए तुरंत आपका हेलो मिल गया पे मुझे ओके कोई डिजिट टाइप करता हूँ सपोर्ट ट्वेल्व टाइप करा तो देखिए ट्वेल्व आउटपुट तुरंत आ गया और कोई करता हूं फ्लोट वैल्यू सेवनटीन पॉइंट फाइव तो तुरंत आउटपुट मिल गया मुझे और कोई कंडीशन देता हूं टेन लेस देन फाइव तो ये देखिए फॉल्स दे देगा यहाँ पे ठीक है टेन लेस देन फाइव नहीं है तो फॉल्स दे दिया और अगर मैं को करता हूं ऐसे ट्वेंटी प्लस फाइव तो ये ट्वेंटी फाइव तुरंत आपको आउटपुट दे देगा ओके तो ये इंटरेक्टिव मोड है यहाँ पे आपको आउटपुट तुरंत तुरंत मिल जाता है जैसे आप कोई भी कोड लिख के एंटर करेंगे उसका आउटपुट तुरंत मिल जाएगा ओके तो आई होप आपको इंटरेक्टिव मोड समझ में आ गया होगा ओके okay, तो अब बात करते हैं व्हाट इज अ यूज ऑफ इंटरप्रेटर ओके तो पहले बात कर लेते हैं इंटरप्रेटर क्या होता है इंटरप्रेटर का मतलब है 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 जो हमने पाइथन पाइथन इंस्टॉल वो एक तरीके से का इंटरप्रेटर ही ठीक जिसमें कि हम कोडिंग कर रहे हैं ओके okay, तो वही हमारा इंटरप्रेटर होता है जिसमें कि हम कोडिंग करते हैं जो आपके कोड को एग्जीक्यूट करता है उसी को हम बोलते हैं इंटरप्रेटर ओके सो एज वी डिस्कस दैट कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन इन इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन वेन यू टाइप अ कमांड नेक्स्ट टू द पाइथन प्रॉम्प्ट एंड प्रेस एंटर की द इंटरप्रेटर कन्वर्ट दमान मशीन लैंग्वेज आफ्टर प्रोसेसिंग इंटरप्रेटर अगेन कन्वर्ट द मशीन कोड इन टू द ह्यूमन रिडेबल फॉर्म आउटपुट तो मतलब क्या है जो इंटरप्रेटर हमारा होता है जैसे कि हमें हमने देखा था कि जो हम इंटरेक्टिव मोड में कोड टाइप करते हैं वो हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है तो जब भी हम कोड टाइप करते हैं तो इंटरप्रेटर क्या करता है हमारा जो कोड होता है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में क्योंकि जो मशीन है वो हमारे कोड को नहीं समझ सकती है. क्योंकि हम इंग्लिश में टाइप करते हैं तो मशीन जो है वो हमारा कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता क्योंकि कंप्यूटर वर्क करता है हमारा सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ बाइनरी को समझता है जीरो वन की फॉर्म में जो होती है उसको ही समझता है वो तो इंटरप्रेटर क्या करता है जो हम कोड टाइप करते हैं उस कोड को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में मतलब की मशीन लैंग्वेज में ठीक है जिससे कि कंप्यूटर उसको समझ पाए और उसके बाद में जब प्रोसेसिंग हो जाती है उसकी तो कंप्यूटर जब आउटपुट देता है हमें तो उसको दोबारा से कन्वर्ट कर देता है हमारी लैंग्वेज में जिससे कि हमें जो आउटपुट डिस्प्ले हो वो हमारी ही फॉर्म में डिस्प्ले हो जिससे कि हम उसको रीड करके समझ पाए ओके सो दिस इज द यूज ऑफ इंटरप्रेटर आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए अब देखते हैं प्रिंट फंक्शन को यूजिंग प्रिंट फंक्शन ओके सो प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है प्रिंट फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ एनी कमांड ऑन द स्क्रीन इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिंट द स्पेसिफिक मैसेज तो प्रिंट फंक्शन का काम होता है आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का मतलब जो भी आपकी आउटपुट विंडो होती है उसमें अगर आपको कोई भी चीज डिस्प्ले करानी है तो आप प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से कराएंगे ओके okay. और प्रिंट स्टेटमेंट का यूज आप कर सकते हो किसी भी मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए जो आउटपुट विंडो है उसमें अगर आप कोई मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो प्रिंट फंक्शन की हेल्प से ओके फॉर एग्जाम्पल प्रिंट हेलो हेलोवर्ट अगर आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है प्रिंट फंक्शन के अंदर तो इसका मतलब क्या है ये आपका हेलो वर्ल्ड आउटपुट दे देगा आपके आउटपुट विंडो में ओके आउटपुट विंडो में आपको क्या मिलेगा हेलो वर्ल्ड ओके आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अगर आपका कोई कंफ्यूजन रह रहा है तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको देखिए तो देखिए यहाँ तो पे किस तरीके से प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे यहां पर लिख दीजिए प्रिंट और इसके अंदर जो भी मैसेज आप चाहते हैं प्रिंट कराना वो लिख दीजिए जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग ठीक है ये मैसेज मैंने लिख दिया और जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये आउटपुट आपको मिल जाएगा देखिए यही मैसेज हमारा डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो यही काम होता है हमारे प्रिंट फंक्शन का ठीक आउटपुट विंडो में आपको आउटपुट डिस्प्ले करके देता है ओके एंड पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट मीन पाइथन डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स ठीक है जब मैंने पाइथन के फीचर बताए थे आपको तब भी बीच मैंने आपको बताया थी पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जहां पे कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों का मतलब अलग होता है ओके फॉर एक्जाम्पल

Python जो हमारी है, case sensitive language है, ठीक okay. तो आप चाहो तो प्रिंट फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा कर सकते हो जहां पे कि आपके जो आर्ग्यूमेंट होंगे वो कॉमा से सेपरेट होंगे ओके फॉर एग्जांपल प्रिंट टेन प्लस ट्वेंटी कॉमा टेन प्लस ट्वेंटी तो देखिए टेन प्लस ट्वेंटी जो है वो आपका डबल कोर्ट के अंदर है ठीक है तो ये अलग स्टेटमेंट हो गया ये पूरा एक स्टेटमेंट हो गया यहाँ तक और इसके बाद में टेन प्लस ट्वेंटी ये अलग स्टेटमेंट है तो यहाँ पर कॉमा लगा दिया हमने दोनों कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं टेन प्लस ट्वेंटी तो ये ऐसी, ऐसी प्रिंट हो जाएगा इसके बाद में टेन प्लस ट्वेंटी ये वाला जो आपका आर्ग्यूमेंट है ये प्लस ओके हो प्रिंट होगा ठीक है तो देखिए यहाँ पे आउटपुट में देखिए आप टेन प्लस ट्वेंटी आ रहा है और इसके बाद में थर्टी आ रहा है ठीक है तो इस तरीके से ये पूरा प्रिंट हो रहा है ओके आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये और अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं इसको करके दिखा देता हूं आपको तो देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट ठीक है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो ठीक है ये लिख दिया मैंने तो ये मेरा एक आर्ग्यूमेंट हो गया यहाँ पे कॉमा लगा दिया मैंने इसके बाद में मैं टेन कर देता हूं ठीक है तो ये अलग मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया और इसको प्रिंट करूंगा तो हेलो और टेन आएगा तो ये दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ठीक है ये देखिए मेरे हेलो एंड टेन दोनों प्रिंट हो गए और एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको प्रिंट सपोज की मैं लिख देता हूँ सम सम लिख दिया मैंने ठीक है और इसके बाद में कॉमा लगाता हूं और यहाँ पे कर देता हूँ टेन प्लस फाइव ठीक है तो देखिए आपका सम और फिफ्टीन प्रिंट हो जाएगा देखिए सम फिफ्टीन ठीक है इस तरीके से प्रिंट हो गया आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से दो आर्ग्यूमेंट आप प्रिंट फंक्शन के अंदर पास कर सकते हो ओके okay, तो अब देखते हैं हम किस तरीके से पाइथन आइडियाली को एज अ कैलकुलेटर हम यूज कर सकते हैं जो पाइथन आइडियली हमारी जिसमें हम अभी कोड कर रहे थे जो इंटरेक्टिव मोड था उसी को हम पाइथन आइडियली भी बोलते हैं तो उसको हम एज अ कैलकुलेटर किस तरीके से यूज कर सकते हैं

प्रिंट फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली आप अर्थोमैटिक ऑपरेशन एंटर प्रेस करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है पाइथन आइडियल ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके दे देगा ठीक है अभी हमने देखा था तो ऐसे केस में क्या होता है जो हमारा पाइथन आइडियल होता है वो एज अ कैलकुलेटर वर्क करता है ओके okay. और इसमें सिंपल कैलकुलेशन के लिए बोर्ड मार्स का रूल फॉलो होता है बोर्ड मार्स का रूल आप सभी को पता ही होगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए टेन प्लस ट्वेंटी तो थर्टी मिल गया रिजल्ट है आपको ऐसे 45 डिवाइडेड बाय 6 तो आपको 7.5 मिल गया ऐसे 67 डिवाइडेड बाय 8 तो 8 मिल गया यहाँ पे एट क्यों मिला है यहाँ पे पॉइंट में क्यों नहीं आया क्योंकि यहाँ पे फ्लोर डिवीजन का सिंबल लगाया गया है फ्लोर डिवीजन के लिए होता है सिंबल अगर आप दो स्लैश लगा देते हैं तो वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देता है ठीक है तो यहाँ पे फ्लोर डिवीजन में आपको पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं मिलेगी तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एट आ रहा है और इसी तरीके से यहाँ पे फोर्टी सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा यहाँ पे गलती से पॉइंट लग गया है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन कर लेना आप लोग तो फोर्टी फाइव तो आपका ये रिजल्ट आपको कैलकुलेट होकर मिल जाएगा ओके तो चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली आइडियली में करके भी दिखा देता हूं जिससे कि आपका और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो देखिए पाइथन आइडियली को ओपन कर लिया है ठीक है तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ जैसे कि सपोज 21 और मैं लिखता हूँ प्लस टू तो देखिए इसने इसको प्लस कर दिया है ठीक है इसी तरीके से मैं करता हूं यहाँ, यहाँ पे टेन डिवाइडेड बाई टू तो देखिए इसने डिवाइड कर दिया है ओके इसी तरीके से मैं करता हूं यहाँ पे टू इन तो यह हमारा मल्टीप्लाई कर देगा ओके एंड मैं करता हूँ यहाँ पे फोर्टी फाइव माइनस सिक्स ठीक है तो ये माइनस कर देगा देखिए थर्टी नाइन ओके okay, तो इस तरीके से आप इस आईडी को एज अ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो अब डिस्कस करते हैं बैरेबल्स को ओके okay, तो बैरेबल को डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद में आपको आईडिया लग जाएगा कि बैरेबल क्या होता है ओके सो इफ यू नीड टू स्टोर सम फूड फॉर द फ्यूचर यूज वट विल बी रिक्वायर्ड मतलब अगर आपको फूड को फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखना है तो आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी ये मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली घर में जो आपका राशन होता है अगर उसको आपको स्टोर करके रखना है तो आपको क्या चाहिए होगा तो किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी क्या है आप लोगों के माइंड में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी आपको लग रहा है कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी फूड को स्टोर करने के लिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सो यू विल नीड अ कंटेनर टू स्टोर द फूड हमें एक कंटेनर चाहिए होगा जिसमें कि हम फूड को स्टोर कर सकते हैं जैसे नॉर्मली आप लोगों ने घर में देखा होगा दाल आटा चावल वगैरह का स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं कंटेनर्स को यूज करते हैं छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉक्सेस वगैरह होते हैं उनको यूज कर लेते हैं जिनमें कि हम उनको रख देते हैं और जितनी रिक्वायरमेंट हमें जब होती है उसको एक्सेस करने की तो हम उसको एक्सेस कर लेते हैं उसमें से निकाल लेते हैं ठीक है सिमिलरली वेन यू आर वर्किंग विद द वैल्यूज इन पैथन यू आर रिक्वायर्ड सम स्टोरेज टू होल्ड वैल्यू फॉर लेटर यूज सच स्टोरेज लोकेशन आर नोन एज बैरेबल बैरेबल कैन स्टोर ओनली वन डेटा न्यू वैल्यू स्टोर इनबल इट्स प्रीवियस वैल्यू गेट ओवर रिटर्न तो देखिए वेरिएबल क्या है पाइथन में जिस तरीके से मैंने आपको कंटेनर का एग्जांपल दिया जो हमारे फूड को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं उसी तरीके से पाइथन में वेरिएबल्स क्या है मेमोरी लोकेशंस हैं जो किसी वैल्यू को स्टोर कर सकती हैं फॉर फ्यूचर यूज मतलब क्या है कि अगर आप किसी वैल्यू को यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में तो आप उसको पहले से कहीं एक वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रख सकते हैं जिससे कि आपको जब भी रिक्वायरमेंट हो उस वैल्यू को एक्सेस करने की तो आप उस वेरिएबल से एक्सेस कर लें। ओके तो यही कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल का सिंपली वी कैन से वेरिएबल्स आर द मेमोरी लोकेशन विच आर यूज टू स्टोर वैल्यूज ओके okay, और जो वेरिएबल होता है वो ओनली एक ही डेटा टाइप की वैल्यू को एक टाइम में स्टोर कर सकता है ऐसा नहीं कि आप एक ही टाइम में एक वेरिएबल और दो डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर ओनली वन डेटा टाइप की ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर और अगर आप किसी वेरिएबल में न्यू वैल्यू को पास कर रहे हैं तो जो पहले वैल्यू होगी उस वेरिएबल के अंदर वो आपकी हट जाएगी और न्यू वैल्यू उसके अंदर हो जाएगी मतलब ओवर राइट हो जाएगी वो वैल्यू ठीक है जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ए इक्वल मैंने दे दिया फाइव ठीक है तो ये ए क्या है हमारा वेरिएबल बन गया इस तरीके से आपने मैथ्स में भी देखा होगा एक्स करके आप वैल्यू देते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे बैरेबल्स ही होते हैं तो एक फाइव कर दिया तो फाइव वैल्यू होल्ड हो गई इस वेरिएबल के अंदर ए वेरिएबल के अंदर फाइव वैल्यू होल्ड हो जाएगी ओके और जब भी मैं इस ए को लिखूंगा प्रोग्राम में तो वहां पर मेरी फाइव वैल्यू आ जाएगी ओके और अगर सपोज मैं इस तरीके से करता हूँ ए इक्वल सिक्स तो ये पुरानी वैल्यू थी ये हट जाएगी अब न्यू वैल्यू आ जाएगी मतलब पुरानी जो वैल्यू थी फाइव ही हट जाएगी और न्यू वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी सिक्स ओके तो ये ओवर राइट हो जाता है ओके तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट वेरिएबल का आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की ओके सो वैल्यूज आर असाइंड टू अ वेरिएबल यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल का साइन होता है इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्योंकि इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं वैल्यू को असाइन करते हैं जैसे बेरबल में, तो है में, में और किसकी हेल्प से हो रही है इस इक्वल के साइन से तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर ये वैल्यू को असाइन कर रहा है इस एक्स वेरिएबल में ओके तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल हैं इनके हेल्प समझते हैं किस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करता है जैसे कि लिखा है हमने a 10 तो क्या होगा जो 10 वैल्यू असाइन हो जाएगी कौन से वेरिएबल में ए में वैल्यू 10 इज असाइंड टू द वेरिएबल ए ओके इसी तरीके से b equal 20 तो वैल्यू 20 विल बी असाइंड टू द वेरिएबल v ठीक है b के अंदर क्या हो जाएगी 20 वैल्यू असाइन हो जाएगी ओके okay, इसी तरीके से लिखा है c equal a plus b अब क्या होगा a plus b की जो वैल्यू होगी मतलब a plus b की दोनों की वैल्यू क्या है 10 है और 20 है तो इन दोनों को प्लस करके इसके अंदर असाइन कर दो इसका मतलब ही है c वाले वेरिएबल के अंदर 30 स्टोर हो जाएगा ओके okay? वही चीज यहाँ पे दे रखी है, द नंबर्स आर एडेड एंड द वैल्यू इज असाइन टू द वेरिएबल सी ठीक है जो नंबर होंगे उनको एड करके सी के अंदर असाइन कर देगा तो क्या होगा असाइन सी के अंदर थर्टी असाइन हो जाएगा ओके okay. इसी तरीके से यहाँ पे एक और इसको देखिए इसमें क्या है a इक्वल सी माइनस टेन तो c की जो वैल्यू है उसमें से टेन माइनस करो इसका मतलब यह है c की वैल्यू क्या हो गई है थर्टी ठीक है तो थर्टी में से टेन माइनस हो जाएगा तो क्या होगा ट्वेंटी 20. ट्वेंटी तो स्टोर 20 हो जाएगा इस a वेरिएबल के अंदर ठीक है वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है ठीक है वैल्यू ट्वेंटी होगी स्टोर इसके ए के अंदर क्यों होगी क्योंकि थर्टी माइनस टेन क्योंकि थर्टी वैल्यू थी सी की तो उसमें से टेन माइनस हो गया तो हमारा ट्वेंटी इसके अंदर असाइन हो जाएगा सो नाउ द वैल्यू इज ट्वेंटी एंड नॉट टेन तो मतलब टेन नहीं रहेगी एक वैल्यू जो एक वैल्यू पहले टेन थी वो नहीं रहेगी क्यों नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पे हमने इसको मॉडिफाई कर दिया एक दोबारा से वैल्यू इसके अंदर पास कर दी है तो सी में से टेन माइनस करके क्या होगा इसके अंदर पास हो जाएगी ट्वेंटी वैल्यू तो इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू को पास कर सकते हैं ओके तो आई होप आप लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा और किस तरीके से वैल्यू को असाइन करते हैं बैरेबल के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके वो भी आपको समझ में आ गया होगा ओके okay, अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना मैं तो आपका डाउट क्लियर कर दूंगा अब बात करते हैं बैरेबल्स के नेमिंग रूल्स की ठीक है रूल टू राइट अ बेरेबल नेम ठीक है तो जब भी हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो हमें ये रूल्स माइंड में रखने हैं जब भी हम वेरिएबल को क्रिएट करेंगे तो ये रूल्स हमें हमेशा ध्यान में रखने होंगे कौन कौन से रूल्स हैं देखिए देर आर द सर्टन रूल्स इन पाइथन हैव टू टू बी फॉलो फॉर्म अ वैलिड वेरिएबल नेम ओके okay. तो कौन कौन से रूल्स हैं चलिए देखते हैं और वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं ओके okay. तो चलिए रूल देखते हैं रूल नंबर वन है हमारा अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट कैपिटल और स्मॉल और एन अंडरस्कोर तो बैरेबल जब भी आप बनाएंगे तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको बैरेबल हमेशा स्टार्ट आपका अल्फाबेट से होगा आप ऐसा मत कीजिएगा कि नंबर से बनाना स्टार्ट कर दिया हमेशा बैरेबल का नेम जो स्टार्ट होगा वो अल्फाबेट से होगा या फिर अंडर से होगा अंडर से भी स्टार्ट हो सकता है मतलब स्टार्टिंग जो उसकी होगी वो हमेशा अल्फाबेट या अंडर से होगी बाद में डिजिट आ सकती है लेकिन पहले नहीं आएगी ओके नेक्स्ट रूल है अ बैरेबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट डिजिट एंड अंडर नो अदर करेक्टर इज अलाउड तो बैरेबल के नेम में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? अल्फाबेट हो सकता है डिजिट हो सकती है और अंडरस्कोर हो सकता है इसके अलावा और कोई करेक्टर अलाउड नहीं होता है वेरिएबल के नेम में ओके नेक्स्ट रूल देखते हैं अ पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम तो पाइथन के कीवर्ड को हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते कुछ पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन प्रोग्राम में तो उनको आप एज अ वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं कर सकते जो कीवर्ड होते हैं उनको आप वेरिएबल के नेम में नहीं लिख सकते इस चीज का आपको ध्यान रखना है ओके okay, तो ये कुछ रूल्स हैं तो ये आपको माइंड में रखने हैं जब भी आप वेरिएबल को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे एक नोट है नोट समझ लीजिए अ वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ एनी लेंथ वेरिएबल का नेम जो है वो किसी भी लेंथ का हो सकता है एंड वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव एज विद कैपिटल ए एंड एज विद स्मॉल ए आर डिफरेंट वेरिएबल नेम्स सपोज कि आप एज नाम का वेरिएबल बना रहे हैं तो अगर आपने इस तरीके से एज लिख दिया और इस तरीके से एज लिख दिया एक में आपने कैपिटल लेटर यूज कर लिया एक स्मॉल लेटर यूज कर लिया तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं आप ये मैं सोचिएगा कि अगर ये वेरिएबल बना दिया तो इसी को मैं यूज कर पाऊंगा इस तरीके से इस तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे आप क्योंकि ये दोनों पाइथन में डिफरेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट होंगे क्योंकि पाइथन जो अब हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ठीक है इस चीज का आपको ध्यान रखना है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों का ही मीनिंग अलग अलग होता है यहाँ पे ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल वैलिड वेरिएबल नेम के और इन नेम के. Okay. तो पहले देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल नेम्स के. ओके okay. तो ये हमारे एग्जाम्पल वैलिड वेरिएबल नेम के तो यहाँ पे देखिए पहला वेरिएबल नेम है क्लास ओके okay. और पाइथन के अंदर क्लास नाम का है कीवर्ड होता है तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी कीवर्ड एज अ वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता लेकिन अब आप सोचेंगे कि अगर ये कीवर्ड है तो ये किस तरीके से वैलिड वेरिएबल नेम हो जाएगा तो ये वैलिड वेरिएबल नेम इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो सी है वो कैपिटल में है और जो क्लास कीवर्ड होता है उसमें स्मॉल में रहती है इस चीज का ध्यान रखिए कीवर्ड जितने भी होते हैं वो सारे स्मॉल लेटर में रहते हैं अगर आप किसी भी की को कैपिटल लेटर में करके लिख देंगे तो वो आपका वैलिड वेरिएबल नेम बन जाएगा ओके इस चीज का आपको ध्यान रखना है इस तरीके से हमने यहाँ पे क्लास के साथ किया है क्लास की जरूर है लेकिन हमने यहाँ पे क्या दिया कर दिया है सी को कैपिटल कर दिया है कोई भी लेटर आप की वर्ड का कैपिटल कर देंगे तो वो वेरियबल नेम बन जाएगा ओके okay, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे करा है तो ये आपका वैलड वेरेबल है क्योंकि इसमें कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं है स्टार्टिंग भी इसकी अल्फाबेट से हो रही है और कोई स्पेशल करेक्टर इसमें यूज नहीं हो रहा है ठीक है तो ये हमारा वैलिड हो जाएगा इसी तरीके से नेक्स्ट टोटल सैलरी ये भी आपका करेक्ट है ठीक है एंड इसके बाद में मिन वैल्यू ये भी करेक्ट है एंड वेल अंडर फी ये भी करेक्ट है इसी तरीके से नेक्स्ट वाला है एज 1980 तो ये भी करेक्ट है क्यों करेक्ट है क्यों क्योंकि हमारे के नेम में बाद में नंबर्स आ सकते हैं स्टार्टिंग में नहीं होंगे ठीक है तो बाद में नंबर्स कितने भी हो सकते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है इस तरीके से नेक्स्ट वाला भी करेक्ट है ए फोर फाइव आर ठीक है इसमें भी आपका स्टार्टिंग एल्फाबेट से हो रही है बाद में नंबर है एंड इसके बाद में लास्ट वाला है अंडर नेम तो ये भी करेक्ट है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग अंडर से हो रही है ठीक है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ओके तो ये तो होगा वैलिड वेरिएबल नेम्स तो अब बात करते हैं इनवैलिड वेरिएबल नेम्स की ठीक है तो इनवैलिड वेरिएबल नेम्स कैसे होंगे देखिए वेरिएबल नेम दे रखे हैं यहाँ पे और इसके बाद में रीजन दे रखा है क्यों इनवैलिड है तो पहला है इंप्लॉय कोड तो एम्प्लॉय कोड आपका इनवैलिड क्यों क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस दे रखा है तो स्पेस अलाउड नहीं होता है बैरेबल के नेम में का भी ध्यान रखना है आपको कि बेरेबल के नेम में स्पेस अलाउड नहीं होता है अगर सपोज कि आप अपना नेम लिख रहे हैं आप इस तरीके से लिख रहे हैं स्टूडेंट नेम तो स्टूडेंट और नेम के बीच में स्पेस नहीं आएगा आपको या तो बीच में अंडर को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे आप या तो अंडर यूज कीजिए या इसको मिक्स करके आप लिखिए ठीक है तो बीच में स्पेस अलाउड नहीं होता है बेरेबल के नेम में ओके नेक्स्ट वेरेबल है टेन कोड तो ये भी गलत है क्यों गलत है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग नंबर से हो रही है तो अभी हमने देखा था नंबर से स्टार्टिंग बैरेबल की नहीं होती है ठीक है नेम कैन बैरेबल ने स्टार्ट डिजिट किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता तो ये गलत हो जाएगा इसी तरीके से ये वाला भी इनवैलिड है क्यों इनवैलिड है क्योंकि इसमें बीच में डॉट लगे हुए हैं देखिए ए डॉट बी डॉट सी इस तरीके से लगा हुआ है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि डॉट अलाउड नहीं होता हमारे बैरेबल के नेम में ठीक है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा इसी तरीके से नेक्स्ट वाला है एबीसी एट द रेट लिमिटेड तो ये भी हमारा इनवैलिड हो जाएगा क्यों हो जाएगा इनवैलिड क्योंकि इसमें एट द रेट का सिंबल है सिर्फ आपका स्पेशल करेक्ट अंडर स्कोर अलाउड होता है और कोई भी स्पेशल करेक्टर अलाउड नहीं होता है तो ये चीज मैंने आपको बहुत बार बता दिया सिर्फ आपका अंडर ही एक ऐसा करेक्टर है जो आप यूज कर सकते हैं वेरेबल के नेम में और बाकी कोई भी स्पेशल करेक्टर आपका वेरेबल के नेम में यूज नहीं होगा इस चीज का आपको ध्यान रखना है ओके नेक्स्ट हमारा एल्स तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा क्यों इनवैलिड होगा क्योंकि as जो होता होता है है वो एक आपका keyword होता है Python में तो इसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते जो की होते हैं उनको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते अगर आप इसका कोई भी लेटर कैपिटल में कर दें तो ये आपका वेरिएबल का नेम बन जाएगा ठीक है लेकिन अभी जो है इस केस में ये नहीं बनेगा क्योंकि एस जो हमारा कीवर्ड है तो ये हमारा वेरिएबल का नेम नहीं बनेगा ओके ओके okay, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैलिड वेरिएबल नेम क्या होगा और इनवैलिड वेरिएबल नेम क्या होगा ओके okay, और यहाँ पे एक नोट है वो भी समझ लीजिए इफ अ वेरिएबल इज बीइंग यूज्ड विदाउट असाइनिंग अ वैल्यू देन इट विल जनरेट एरर मतलब क्या है कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है मतलब आपने वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है और आप उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा फिर प्रोग्राम में आपके एरर आएगा आपका जो पाइथन होगा वो आपको एरर जनरेट करके दे देगा कि आपका ये वेरिएबल नहीं है मतलब इस टाइप का कोई वेरिएबल आपके प्रोग्राम में नहीं है तो इसीलिए आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते वो आपको एरर जनरेट कर देगा ओके तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है जब भी आप वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं तो जिस नेम से आप वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं तो चेक कर लें कि आपका प्रोग्राम में उस नेम का वेरिएबल कोई है भी या नहीं है अगर आपने कोई वेरिएबल नहीं बना रखा तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे ओके तो आई होप आप लोगों को वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो अब बात करते हैं स्क्रिप्ट मोड की कि अगर हमें स्क्रिप्ट मोड में वर्क करना होगा तो किस तरीके से करेंगे अभी तक हमने देखा था इंटरेक्टिव मोड को कि इंट्रेक्टिव मोड में किस तरीके से वर्क करेंगे अब हम बात करेंगे स्क्रिप्ट मोड की ओके तो स्टूडेंट इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है तो आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओके तो आई होप आपको जितने भी टॉपिक इस वीडियो में मैंने आपको समझाए हैं आपको समझ में आगे होंगे अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा So student, that's it for this video. Thanks for watching.